शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्पेशल डांसर्स हो गए हमारे शास्त्री फैमिली। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए राजकुमारी जी, आइए पधारिए। आइए राजकुमारी जी। अच्छा अच्छा, सुनिए मैं क्या कह रहा था कि हमें हमारे इस प्रोग्राम की शुरुआत घर के बड़े सदस्यों से करनी चाहिए, क्यों है ना पिंकी? अरे बड़े सदस्यों से क्यों, आप घबराइए नहीं दादी माँ, दादाजी ने ना इसकी आपकी बारी लास्ट नाइट, क्यों है ना बंटी? हाँ बिल्कुल ठीक। नियति चाची और अंबर चाचू।
दादी माँ जो आपको डांस दिखाएगी। कम ऑन दादी माँ, कम ऑन। ए बुढ़ी होगी तेरी माँ, अभी दिखाती हूँ तुम सबको। म्यूजिक। क्या हो रहा है माँ जी, कहीं हमारी कनू की शादी में फिर से कोई विघ्न तो नहीं? नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलो। हमारी कनू की शादी में कोई विघ्न नहीं आएगा, कोई विघ्न नहीं, सब ठीक होगा। लाना है मम्मी के लिए। मैं क्या सोच रहा था, मम्मी और अन्नी को अपने बेडरूम में शिफ्ट कर दें, वहां वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। आई थिंक ये लोग वहां ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे।
अरे नहीं नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ। नियति तू जाके आराम कर ले, जा बेटा। कैसी बात कर रहे हो मम्मी, ऐसे मौके बार बार मिलते हैं क्या? मैं आपके पास ही रुकूंगी। मतलब आज हमारे परिवार के शिकायतों के घड़े फोड़े जाएंगे यहाँ। अच्छा अब आप लोग आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। और हाँ, तुम दोनों मम्मी का अच्छी तरह ध्यान रखना, ओके? अरे बेटा क्यों तू अंबर को परेशान कर रही है, जाना तू उनके कमरे में चली जा। कितनी बार आराम कर रहा हूँ, ऐसे मौके बार बार मिलते हैं क्या मम्मी? आज मैं कितनी सारी बातें करूंगी अन्नी से, मुझे नहीं पता, मुझे यहीं रुकना है और मैं आप दोनों के बीच में सोऊंगी। चलो पहले आप सो जाओ, आप सो जाओ। आरती से तेरी बात बात होती है? कभी कभी होती है। मैंने तो कितनी बार उसको फोन किया था लेकिन फोन ही नहीं उठाती। अरे बेटा अब सो भी जाना, कितनी रात हो रही है ना। अच्छा सो रहे हैं ना, आप तो सो जाओ। छोटी को किसी काम के लिए मत कहना, उसकी माँ की तबीयत पहले बहुत खराब है, उसे अपनी माँ की सेवा करने दो। ठीक है माँ जी। सारा काम तुम लोग संभाल लोगी ना? ठीक है, बहुत थक गई हूँ मैं, अपने कमरे में जाके पीती हूँ चाय। ठीक है, तुम लोग समझ गए। ठीक है बेटा, जरा देख लेना। अच्छा वैशु काम करते हैं, हम लोग काम बांट लेते हैं। मैं खाने पीने का इंतजाम कर लेती हूँ और तुम वो जो लिस्ट है ना सामान वाली, उस लिस्ट में देख लो कौन सा सामान मंगवाना है, बाकी रह गया है और कौन सा मंगवा चुके हैं। वो लिस्ट का है? हाँ ये। ठीक है ये अच्छा है नीति, अपनी माँ के बहाने खुद आराम कर रही है और हम लोग काम कर रहे हैं। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं अपनी मॉम को पहले से बुलाकर पट्टी पढ़ा देती कि आओ और दो तीन बार यहाँ वहाँ गिर जाओ, कम ये बेफालतू का काम तो नहीं करना पड़ता। समीर जी अंकल, भाई ये दूल्हे की बारात अभी तक क्यों नहीं आई? पूरा शादी का मैदान जैसे खाली खाली लग रहा है। अंकल मेरे ख्याल में आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, बस आते ही होंगे। माँ वो गेस्ट बोल रहे हैं कि टाइम इतना हो गया, बारात कहां पर है? इधर आ। प्रॉब्लम क्या है, बारात आई क्यों नहीं अब तक? क्या पता मैं? कुछ पता करो ना। वैसे तो अब तक आ जाना चाहिए था अतुल को। हाँ तो अतुल को फोन लगा सके, पता तो करो कहाँ रह गया है। जाना चाहिए था उसे। वैशाली
उसने। यजमान जरा यहाँ आइए। जी पंडित जी। यजमान अब तो हद ही हो गई, हमें तो ऐसा लगता ही नहीं कि हम यहाँ विवाह करवाने आए हैं। अरे मुहूर्त निकला जा रहा है, समय तो देखिए। माफ, अतुल फोन ही नहीं उठा रहा है। क्या तो क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्राई करते हैं। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। हाँ। सब आप अभी तक गए नहीं और सब बारात में जाने वाले कोई देख नहीं रहे, कोई तैयार नहीं होगा? सब कोई नहीं आएगा, किसी को बुलाया नहीं। एक गुनाकार के बेटे की बारात में कोई बाराती नहीं आएगा। तुम जाओ। I'm sorry, गन्नू।